just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall. जी हाँ, माय नेम शांतु द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं DRX हैप्पी व्लॉग। तो इस व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग चल रहे हैं अपने दलहन मेट्रो स्टेशन और SPM मेट्रो स्टेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि दलहन मेट्रो स्टेशन की पेंटिंग कितनी खुल गई। हमारे अंदाज से तो पूरी पेंटिंग खुल गई होगी, फिर भी एक बार हम लोग जाके देख लेंगे कि कितनी पेंटिंग खुल गई है। और SPM में पेंटिंग लगना चालू हुई क्या लगनी नहीं लगना चालू हुई, और रोड यूपीएमआरसी ने कितना कवर कर लिया है रोड, मतलब कितनी ज़्यादा रोड बना दी है, और दलहन मेट्रो स्टेशन में कितनी फिनिशिंग कर दी है। आज इसी वीडियो में हम लोग सब जानेंगे, इतने सारे अपडेट मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने SPM मेट्रो स्टेशन मतलब कि क्रॉसिंग पर, और क्रॉसिंग में लगा है जाम। तो भाई जी, कल्याणपुर क्रॉसिंग और बगिया क्रॉसिंग इतना जाम लगता है कि इंसान कम से कम आधे घंटे लेट ना हो के घंटे लेट हो जाता है अगर यहाँ फंस गया। हल्का फुल्का लगा है क्योंकि यहाँ से ट्रेन निकली होगी। ये आप लोग साइड सीन देख सकते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन का, लेकिन हमको साइड सीन ही अपडेट देना है। तो ये देखिए, अभी मतलब SPM मेट्रो स्टेशन की पेंटिंग नहीं चालू हुई है। ऊपर साड़ों जो ऊपर लगी हैं, ये यार पीछे बैकग्राउंड आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है क्योंकि यहाँ से गुजर रही लिफ्ट लगा दी गई है। और ये जो लिफ्ट का पोर्शन है ये पूरा स्टील का बना हुआ है। जी हाँ, पूरा स्टील का है। और अभी इस पर फर्स्ट कोट सेकेंड कोट तक हो चुका है, फर्स्ट कोट अभी बाकी है। और ये देखिए ये नज़ारा, ये SPM मेट्रो स्टेशन लगा था। और ये कुछ डब्बा लगा हुआ, आप लोग कमेंट करके बताएगा ये डब्बा क्या है। हम तो इसको डब्बा ही कहेंगे, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डब्बा क्या है। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा, और रात में इतनी आँखों में लगती है रोशनी, कुछ कहने को नहीं। तो हम लोगों ने अब उल्टी साइड से सीधी साइड पर आ गए हैं, और अब हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ, दलहन मेट्रो स्टेशन। वहाँ से राउंड कट ले लेंगे, फिर से आपको थोड़ा अपडेट मिल जाएगा, फिर से थोड़ा अपडेट। तो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर रोड बना दी गई है। देखिए ऊपर नीचे है, ये तरफ की नहीं बनी, इस तरफ की बन चुकी है, और काफ़ी अच्छी बनाई है UPMRC ने, बिल्कुल एकदम प्लेन है। और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी की इस रोडिंग में है कि मतलब कहीं ऊपर नीचे गड्ढा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, एकदम बढ़िया रोड लग रही है। और मतलब एकदम लेवल से बनाई है किसी प्रकार की, और ये भी नहीं कि बेकार बनाई, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई रोड। मज़ा आ गया UPMRC का ये अपडेट देखे मुझे कि मतलब रोड पर सबसे पहला काम क्या इन लोगों ने है, और जहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ पर इनको अभी वो करना है, बराबर वो कर देंगे वो अपने हिसाब से। वो क्योंकि अपने हिसाब से बहुत काम अच्छा करते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एकदम सामने दलहन मेट्रो स्टेशन आ ही चुका है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अभी पता चल जाएगा पेंटिंग कितनी बनी है, या फिर कितनी उसके पोस्टर उतारने बाकी हैं, पूरा ही अपडेट मिल जाएगा। और इसके शायद दोनों तरफ पेंटिंग बनेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो अभी हम लोग पर सामने ही है दलहन मेट्रो स्टेशन, और इस तरफ भी जल्द से जल्द पेंटिंग लगने का कार्य चालू हो जाएगा। SPM से दलहन मेट्रो स्टेशन कार बहुत ज़्यादा है, दलहन मेट्रो स्टेशन मतलब छत्रपति साहू जी महाराज वाला स्टेशन। और इसमें जो जीना है, इसमें शटर लगा दिया गया है आने जाने के लिए, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा पास से एकदम जूम करके, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पर रात में कार बहुत ज़्यादा चलता है। ओ ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कोर्ट सेकेंड कोर्ट थर्ड कोर्ट तीनों कोर्ट हो चुके हैं इसके ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता ही हो, लगता है पेंटिंग उचाड़ने का चालू है क्योंकि यहाँ पे मशीन खड़ी हुई है। और ये देखिए, हाँ उचाड़ दी गई है, आधी पेंटिंग उचाड़ दी गई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। उसको भी चल के देखेंगे, उसकी एक पिक्चर लेंगे जो कि हम थंबनेल पर लगाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं और सीधे दलहन मेट्रो स्टेशन की पेंटिंग पास चलते हैं, और देखते हैं कितना क्या किस हिसाब से बना दिया गया, कितनी उचाड़ दी गई, कितनी बची, आज पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कल तक हो जाएगा। तो
पहले हम लोग चलते हैं उस तरफ, क्या उधर लगी चेकिंग और सचिन भाई साहब हेलमेट लगा के आया नहीं थे, तो यार हमने कहा वहीं से रोक लो, यहाँ से आके मना लेंगे, उल्टा उल्टी साइड ले लो। तो ये देखिए भाई जी, यार पेंटिंग उछड़ रही है और सबसे ऊपर की उछाड़ दी गई है। जी हाँ, सबसे ऊपर की उछाड़ दी गई है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। सबसे अच्छा काम मेट्रो का यही कि काम बहुत तेजी और जल्दी से होता है, बहुत ही अच्छा होता है ये काम मेट्रो खासे, जिसको भी मतलब ठेका मिला होगा वो बहुत ही अच्छे से काम करा रहा है। और रोड इस तरफ की बन चुकी है, दोनों तरफ की एक एक पट्टी की रोड बन चुकी है, ठीक है, और दोनों तरफ की दूसरी दूसरी पट्टी बननी है जो कि बहुत जल्द बन जाएगी। और भाई जी यार कि क्या बताएं, इतना गजब का इन्होंने निकाला है लुक, ओ भाई मज़ा आ गया यार देख के। वाकई मेट्रो बहुत अच्छा कार्य करा रही है, जो भी करा रही है। ये देखिए भाई यार, वाह मेट्रो कार एक नंबर, क्योंकि यार ये कार अपन से, और इसमें डिवाइडर पे पेंट कर दिया गया ब्लैक और येलो का। ये देखिए एक नंबर मेट्रो। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आधी पेंटिंग खुल चुकी है, दो तरफ की रोड बन चुकी है, इसमें हमें भी पेंटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब सही है और कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए ये काम हो रहा है और कुछ इस प्रकार से है। आपको क्लियरिटी में अच्छी देता हूँ। अभी इस तरफ की रोड बची है जो कि आप लोग देख सकते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको गाड़ी अपनी, इस तरफ की रोड जल्दी से जल्द बना दी जाएगी तो काफ़ी रोड चौड़ी भी हो जाएगी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यार क्योंकि मैंने कहा उल्टी तरफ से भी आपको दिखा दें एक बार कि किस किस तरफ से, तो हमें उल्टी तरफ चलना पड़ रहा है, आपको अपडेट पूरा मिलना चाहिए। देखिए मत लेना रिमस लेना, अभी मतलब ये अपना है द लाइन मेट्रो स्टेशन। और आजकल चेकिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप लोग भी अगर चेकिंग से बचना चाहते हैं थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चेकिंग लग रही है। बिना एड्रेस के खड़े थे और चेकिंग काट रहे थे, अब मैं क्या बताऊँ, बिना एड्रेस के बताओ यार, तुम पकड़ रहे हो लोगों को, आप लग रहे हैं कि आप ड्यूटी है लेकिन फिर भी चालान काट रहे हैं। तो भाई काफ़ी डर गए, लेकिन डर के आगे जीत है, मानते डू पीजिए आप लोग भी। और ये देखिए रोड कितनी गजब की बना दी गई है मेट्रो के द्वारा, तो यार प्लीज़ यार हेलमेट लगा के चला करो, हम आज भूल गए, मुझे गलती हो गई, लेकिन आप लोग हेलमेट लगा के चला करें, क्योंकि यार हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यार प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को वायरल कर दीजिए और हेलमेट जरूर पहन के आइए। हेलमेट पहनते तो आपकी भी सिक्योरिटी पूरी रहती है, और जो पुलिस वाले होते हैं वो आपका चालान भी नहीं काट पाते, दो बेनिफिट होते हैं। लेकिन आज मैं भूल गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार तो मैं पहन के आऊँगा। और आप लोग देखिए यार नज़ारा, ये डब्बा जिसको पता हो भाई वो बताया कमेंट करके, ये डब्बा क्या, इसमें एसी एसी लगी है, हम समझ नहीं पा रहे भाई इसमें है क्या। ये मतलब डब्बा बना दिया गया डरा था, उसमें एसी लगा दी गई, भाई क्या है क्या, ये अधिकारियों की बैठने की जगह है क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो वॉचिंग।